अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। हम जानते हैं कि हम आपके सगे नहीं हैं। अगर हम आपके सगे होते तो आप कभी ना नहीं कहते, है ना? अमू, अमू ये बात किसने कही तुमसे? हमने तुम्हें अपनी कोख से नहीं जना है, अनाथ है तू। निकल यहाँ से। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं और ना ही हमारे बेटों के दिल में। किसी ने भी कही हो भैया, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जब हमें ये बात पता चली थी ना, तब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारे भाइयों के साथ हमारा दिल का रिश्ता है। और दुनिया की बड़ी सी बड़ी बात कभी भी इस बात को बदल नहीं सकती कि हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शायद हमारे भैया को फर्क पड़ता है। बोलिए भैया, अगर हम आपकी सगी बहन होते तो आप हमेशा वो बस कर, ये रिश्ता हमें मंजूर है। फिर मैं उदय को ना सारी सच्चाई बता देता। मैं बता देता हूं उसे कि अनमोल की शादी रमन से नहीं, मुझसे हुई है और उसमें आप सब लोग शामिल थे। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। रजत, होश में तो हो तुम? ये क्या बोल रहे हो और ये क्या तरीका है शादी के लिए हाँ कराने का? मैं क्या कर रहा हूं पापा, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा था। पर सीधी बात किसी को समझ में ही कहां आती? अब देखिए, फैसला आप लोगों के हाथ में, खुशी खुशी मान जाइए वरना एक मिनट लगेगा उदय को कॉल करने में। कर दूं कॉल? नहीं रजत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ, मैं नहीं करूंगा। अगर आप इस शादी के लिए खुशी खुशी मान गई तो। और हाँ, आप तो जानती है ना कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, याद रखिएगा। सच्ची? अमू, आज तो कह दिया पर दोबारा ये मत कहना कि तुम सही नहीं। अरे पगली, तू तो जान से भी ज्यादा प्यार। भैया आप जानते नहीं हैं, पर आज ना आपने हमें बहुत खुशी दी है। अमू, हम दोनों भाइयों की सबसे बड़ी खुशी तो तू ही है। ऐसी खुशी जो सबकी खुशियों का ध्यान रखती है। अमू, हम तो कब के हार गए थे लेकिन तूने हमें जिता दिया। अम्मा, अब आप जोर शोर से अपनी बहू को लाने की तैयारी कीजिए। तब तक हम अपने भाइयों के साथ डांस करेंगे।
ठीक है। लाडों से पाली है जो भाई की जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। लाडों से पाली है जो भाई की जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। वाह, तो फिर क्या सोचा है आपने? सोचा उस बात के बारे में जाता है जहां मन असमंजस में होता है, यहां हमारा फैसला एकदम पक्का। अरे उदय भैया, ओ चुटकी भावरिया, हम मुल्लू नहीं बनेंगे। और बबुआ, कहां बार बार पूछ रहे हो? अजय हो या उदय, उन दोनों में से कोई भी जमाई बनने लायक है का? बुआ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच में पीछे मुड़कर तो देखिए। उदय के नाम से हमें डराना बंद कर, हम नहीं डरते किसी से। भले ही दोनों भाई बंदूक लेकर चलते हो, पर दिमाग तो दो कौड़ी का ना है। ऐसे बेदिमाग लड़के के साथ अपनी नंदरी का रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगे। दोनों फूहड़ हैं एकदम। बस कीजिए। बस क्यों करें? सच बोल रहे हैं हम। क्या सही कह रही हैं बुआ जी? जरा विस्तार से बताइए। लगता है आप हमारे लिए कुछ कह रही थी। अरे नहीं नहीं, कल्याणी जी तो आपकी तारीफ ही करती हैं, बल्कि कल्याणी जी तो आपके आकर्षक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित भी हैं, और वो तो ये कह रही थी कि हमारी बेटी नंदिनी आपके घर में बहुत खुश रहेगी। क्यों कल्याणी जी? हम भी यही चाहते हैं कि पुरानी बातें भूलकर ये रिश्ते के लिए आगे बढ़ा जाए। बुआ जी, क्या आपको आपकी नंदिनी के लिए हमारे अजय का रिश्ता स्वीकार है? बोलिए बुआ जी, आपको ये रिश्ता स्वीकार है या नहीं? अरे जी, चुपचाप हाँ कर दो, वरना ना करने लायक बच्चों की नहीं, उसके बाद हाँ ना सब इन्हीं के पास की होने वाली है। हमसे पूछने से पहले अपनी अम्मा से तो पूछ लीजिए कि क्या इन्हें रिश्ता स्वीकार है। अगर हमने हाँ नहीं किया तो उदय हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, हमें स्वीकार है। तो ठीक है, फिर हमें भी कोई आपत्ति नहीं। तो बधाई हो, बधाई हो आप सबको। देख रहे हो रमन, किसी अनमोल ने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। और रजत जी, वो तो चूरू के गुलाम बन के बैठे। अनमोल और रजत भाई कितनी भी कोशिश कर ले, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। सारे फसाद की जड़ ये अनमोल है, और अब मैं इस जड़ को ही उखाड़ूंगा। ठीक है।
पंडित जी बताइए, अजय और नंदिनी की शादी का शुभ मुहूर्त कब का निकल रहा है? दशहरे के दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ठीक है, तो फिर हम सब तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि शादी में ज्यादा समय थोड़ी ना है। और भैया हम आपको पहले ही बता दे रहे, हम आपकी शादी में सबसे आगे नाचेंगे और जोर जोर से गाएंगे, और हम इस गाने पे नाचेंगे, आज मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। ये लड़की भी ना पूरी बावरी हो जाती है जब उसके किसी अपने की जिंदगी में खुशियां आती हैं। सच कहें तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें अनमोल जैसी बहू मिली। वैसे भाग्यशाली तो अम्मू भी है जो उसे आप जैसी सास और अमन जैसा जीवन साथी मिला। अच्छा, वो हम सब इतना शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो क्यों ना हम गणेश जी का आशीर्वाद लेकर ये कार्य शुरू करें। और कल हमारे यहाँ गणेश विसर्जन भी है, आप सब आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगे। जी हम जरूर आएंगे आंटी जी, इसी बहाने आप सब लोगों से दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना अम्मा? चले चलिए। अनमोल फिर जीत गई। अगर रजत ने मुझे बांधा नहीं होता ना तो इस अनमोल को मैं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देती। भाभी, रजत भाई का साथ मिलने से अनमोल के रास्ते और इरादे दोनों पक्के होते जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें उसे तोड़ना होगा। और वो साथ कैसे टूटेगा ये तुम मुझ पर छोड़ दो। रमन, अनमोल ने तुम्हारे और रजत जी के बीच में बहुत दूरियां लाई हैं, इसकी भरपाई उसे करनी होगी। लेकिन लाली, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम करने क्या वाली। कुछ ऐसा जिससे हवा में उड़ने वाली अनमोल रजत जी की नजरों में ऐसा गिरेगी कि वो खुद उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। अम्मा रुकिए, कहो। अपना मन का करके जी नहीं भरा का, और का चाहिए? नंदिनी की खुशियां हम जानते हैं, ये रिश्ता तुम्हारी पसंद का नहीं है, लेकिन नंदिनी को तो अज्जू भैया ने पसंद किया है ना, तो क्या तुम उनकी खुशी के लिए कुछ नहीं हो सकती? अम्मा, तुम हमेशा से यही चाहती थी ना कि तुम्हारे दोनों बेटों का घर बस जाए, तुम्हारी बहू आ जाए। तो अम्मा, अब तुम्हारी बहू आ रही, इसीलिए हम तुमसे विनती कर रहे हैं अम्मा, उसे ढेर सारा प्यार देना। हमारा रिश्ता भले ही उलझा हुआ रहा हूं, पर इस रिश्ते को तो पहले दिन से ही सुलझा के रखना। एक लड़की ना अपने मायके में अपना सब कुछ छोड़कर जाती है, और उसे ये उम्मीद रहती है कि मायके में उसे जितना प्यार मिला है उससे कई ज्यादा प्यार उसे अपने ससुराल में मिले। हमें तो ये सुख नहीं मिला, लेकिन अम्मा तुमसे विनती कर रहे कि नंदिनी को ये सुख दे देना, उसे हमेशा खुश रखना। तो
तुमने हमें तो कभी अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन नंदिनी को कम से कम अपनी बहू मान लेना अम्मा। बस एक बार ये शादी हो जाए ना, उसके बाद हम तुम सबको छोड़कर यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। हो गया, तुम्हारा जाना ही बेहतर है। चिंता मत करो अम्मा, हम सच में चले जाएंगे, क्योंकि इस घर में हमारा कोई नहीं है जिसके लिए हम यहां रुके या कोई हमें रोके। ये तो भाई का रुमाल है। लो, बिगड़े नवाब तो बिगड़े नवाब, पर उनका रुमाल भी बड़ा कमाल है। वो यहाँ नहीं है तो ये हमारे आंसू पोंछ रहा है। वैसे अच्छू भाई और नंदिनी का रिश्ता सिर्फ उनकी वजह से ही पक्का हुआ है, और हमने उन्हें धन्यवाद भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, जो काम नहीं किया वो भी कर लेते हैं। कहाँ है? इन्हें ढूंढ ढूंढ कर हमारे पसीने छूट गए और हमें ये नहीं मिल रहे। नवाब, आप यहाँ? हमें आपको कुछ। पापा, पापा, कहाँ चले गए आप? हमें आपको धन्यवाद। दीपू के साथ लुका छुपी खेल रहा हूँ, इसलिए ओके ओके। कहाँ हो आप? पता नहीं कहाँ चले गए। अब बोल, क्या कह रही थी तू? हमें आपसे ये कहना था अनमोल, देखकर चलती नहीं लेकिन देखकर चीख तो सकती हो। कौन करता है ऐसे यार?
पर दीजिए ना, वो अचानक से छींक आ गई, पर अम्मी आएगी। छोड़ दो, ये तो मेरा रुमाल है, तुम्हारे पास कैसे आया? अब लेकिन अब आप ले लीजिए, अब हमें इसकी जरूरत नहीं। बोल, इसे तुम्हें रखो। अरे पीड़े नवाब, आप ले लीजिए, हमें जरूरत लगेगी ना तो हम वापस आपसे ले। अरे मुझे नहीं चाहिए। देखो तुम ये अपने पास रखो, मेरे पास बहुत है। इनफैक्ट मैं ना तुम्हारे लिए एक बॉक्स और ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो इसकी जरूरत पड़ती रहती है, राइट? हाँ, लेकिन हमारे पास ये अभी है ना, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अनमोल, अनमोल, तो मुझे नहीं चाहिए यार, तुम रखो। अरे पर ये आकर वाले तो लीजिए ना, हमें नहीं। अरे मुझे, मैंने कहा ना नहीं चाहिए। हैप्पी पापा, देखा मैंने आपको पकड़ लिया। तुम्हारी वजह से मैं हार गया। अब इस शैतान को ना मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। हाँ पापा, आइसक्रीम तो खिलानी पड़ेगी। तो चलो पापा की बच्ची, चलिए। तो बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी तुम? चॉकलेट फ्लेवर। ये हमारी सांसें क्यों चढ़ गई है? बिल्कुल रेलगाड़ी जैसे तेज तेज चल रही है। हाँ जरूर, हमें भूख लगी है, या फिर हमारे शरीर में हवा कम हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है।